हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी पैकेट दूध रखे हैं। सो यहाँ पर ये एक लीटर दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और बनाना था मुझे कुछ और, तो हो गया कुछ और। वैसे कौन कौन दोस्तों दूध मतलब लाइक दूध डालने के बाद और पैकेट में वो पानी डाल के कौन करता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर दूध ना एक लीटर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, बट दूध फट गया था। फिर दूध फटने के बाद ना ही मुझे मीठा खाना था ना ही प्रवीण जी को। सो अब क्या करें, तो मुझे क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं इसका पनीर बनाऊं। सो दोस्तों ये पनीर का प्रोसेस आप देख लीजिए, तो सिंपल है। मैंने अच्छे से उसे वॉश कर लिया था ठंडे पानी से, फिर उसका पानी निचोड़ कर सो मसलन का कपड़ा हो या फिर कॉटन का रुमाल हो उसमें आप अच्छे से इसको डालकर निचोड़ कर रख दीजिएगा साइड में। फिर उसे मैंने फ्रिज में भी डाल दिया था। फ्रिज में डालने के बाद हो जाता है थोड़ा कड़क। सो कड़क होने के बाद आप इसे अच्छे से क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। सो दोस्तों ये पनीर को देख के मुझे ख्याल आता है क्यों ना मैं इसका पालक पनीर बनाऊँ। सो पालक भी मेरे पास थे, अच्छे से मैंने पालक बढ़िया सा मिल गया था। सो मैंने पालक ले लिया, उसे अच्छे से वॉश करके इधर उबलने के लिए रख दिया था, जिसका वीडियो मैंने लेना स्किप हो गया है। सो दोस्तों फ्राई अगर आपको पसंद है तो फ्राई पनीर फ्राई करके भी पनीर डाल सकते हो, तो मैंने फ्राई करके साइड में रख लिया था। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने पैन लिया, पैन में जीरा तेजपत्ता प्याज और मिर्ची डाला, उसके बाद ये मैंने पालक को अच्छे से फाइन पेस्ट कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद आपके पास जो भी मसाले हैं घर के या फिर बाहर के, जो भी नमक के साथ आप सब कुछ डाल दीजिएगा। और बचे हुए मिक्सर में जो पालक लगे थे उसे भी मैंने अच्छे से मतलब वॉश करके उसके अंदर डाल दिया। एंड देन यहाँ पर ये मैंने पनीर भी इसके अंदर डाल दिया है, और अच्छे से आप 7-8 मिनट तक इसको ढक कर पकाइए। एंड देन उसके बाद आपको इसको तड़का वाला यूटेंसिल लेना, तड़का देने के लिए सिंपल है घी बटर या फिर तेल जो भी लो वो लेकर उसमें आप बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, लाल साबुत मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल के इसे अच्छे से आप उसमें तड़का दे देना। फिर ऊपर से मूल बटर डाल देना, उसे चाहे तो आप परोठों के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बस मज़े से खाइए, इंजॉय कीजिए। सो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कर लेना, और वीडियो को आप पूरा देखिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक इस तरीके से पालक पनीर की सब्जी नहीं बनाई है वो ये वीडियो देख के ज़रूर बनाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।